की सद्धर्म का मार्ग मिले तो केवल मुझे नहीं वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और अंत में मेरी भयानक परीक्षा हुई, काम, क्रोध, माया, वासना, तृष्णा मेरे सामने कई रूपों में आए, पर मैं विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा। मैंने संकल्प लिया प्राण जाए या परम सत्य उपलब्ध हो, और अंत में मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ। हे पुरुष बुद्ध, मुझे उस मार्ग पर पहला पग रखना तो सिखा। कारण और प्रभाव की सूक्ष्म और अदृश्य श्रृंखला से पूरी सृष्टि बंधी। यदि तुम अच्छे कृत्य करोगे तो ताल की लहरों की तरह जन्म जन्म उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन को कंपित करेगी, तुम्हें बौद्धित्व तक पहुंचाएगी। उसी के विपरीत यदि तुम बुरे कृत्य करोगे तो उसकी बेड़ियां जन्मों तक तुम्हें बांधेगी और घसीटती जाएंगी। पर जहां खड़े हो, जिस क्षण में हो, यदि उस क्षण में स्थिर हुए, शांत हुए, तो तुम अपने अंदर एक मध्य बिंदु को पाओगे, जिसे ना दुख होता है ना सुख, जो इस कार्य कारण सिद्धांत की पूरी श्रृंखला को तोड़ के तुम्हें परम सत्य से जोड़ता है। यशो, तुमने तो पूरे कक्ष में दीपावली मना रखी है। माँ, किसी के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं ना, मेरे जीवन में दीपक कब प्रज्वलित होंगे? माँ, यशो, तू क्यों धीरज खोती है? माँ, हम सब भी तो दीपक के समान हैं। एक विरह के शोक से छटपटाते पिता जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं, एक ममतामयी माँ जो अपने आंसू छुपाकर अपनी बहू के आंसू पोछती है, और एक माँ जो स्वयं दिए की भांति जलकर अपने पुत्र की याद को सदा अपने मन में प्रज्वलित रखती है, और एक बहू जो स्वयं जलकर अपने वृद्ध माता पिता और आशा के कोमल पौधे राहुल को ज्योति देती है, जिसके मार्ग में ये दिए जलाए हैं वो आएंगे ना माँ, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए? उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर घर वापस आना था। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, ना तो उनके आने का कोई समाचार आया और ना ही कोई अपनी सूचना भिजवाई। यशो, एक तरफ दिए भी जलाती है और दूसरी तरफ अपने मन में शंका भी पैदा करती है। सिद्धार्थ सब कुछ भूल सकता है, पर तुझे अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र राहुल को और अपनी प्रजा को कभी नहीं भूल सकता, जिनके दुख दूर करने वो घर छोड़कर गया। सिद्धार्थ आएगा, वो अवश्य आएगा, पर आप
आपके आंसू तो कुछ और ही कह रहे हैं माँ। और कितनी प्रतीक्षा करूं माँ, कब तक दिए की भांति दिन रात जलती रहूं, कब तक इस कक्ष को यूं ही सजाती रहूं जिसका आधिपत्य मुझे भूल गया है। लौटता ही नहीं माँ। से बाहर कौन जा रहा है? मेरे पुत्र का रूप तो अत्यंत मनमोहक है, मेरी बुद्धि की दाद नहीं दोगी मां? अरे मेरे होनहार पुत्र, क्या दाव खेला है तूने? नंद को ही महाराज के विरोध कर दिया, एक कीर्ति सिंधु शिकार। बस देव अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी करते कि महाराज कभी भी नंद को राज गद्दी देने के बारे में ना सोचे। महाराज नंद को राज गद्दी दे भी दे तो क्या, इसके बाद नंद रहेगा तो मेरे हाथों की कठपुतली बनकर ही। रंग भवन की लत एक बार से लग गई तो राजकाज सब भूल जाएगा। मदिरा के नशे में ऐसा डुबोऊंगा उसे, फिर कभी उबर ना पाएगा। वासनाओं के धागे से ऐसा बांधूंगा उसे कणिकाओं के साथ कि फिर उसका पतन निश्चित है। महाराज उससे घृणा करने लगेंगे। मैं भारी जाऊं मेरे सुपुत्र। सिद्धार्थ रुक गया, अब नंद को ऐसे कुएं में धकेलूंगा कि जीवन भर वहीं सड़ता रहेगा। तुम दोनों बाहर जाओ। कहां जा रहे हो नंद? जानता था आप भी मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए अवश्य आएंगे, परंतु आपके जानकारी के लिए भी बता दूं, मैं ज्येष्ठ देवदत्त के साथ रंग महल जा रहा हूं। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना उन्हें चोट पहुंचाकर? चोट? शेष सिद्धार्थ जाते थे तो उन्माद का विषय, और मैं जाऊं तो चोट। बस नंद, किस मुंह से तुम अपने ज्येष्ठ से अपनी तुलना कर रहे हो? इतने से भी गुण है तुम्हारे अंदर तुम्हारे ज्येष्ठ जैसे? इस दर्पण में देखो, ये आंखों में झांको और पूछो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। ठीक है, मान गया मैं उनके जितना उच्च नहीं। प्रश्न ऊंच नीच का नहीं है, तुम्हारे ज्येष्ठ को सन्यासी होने का विचार काफी कम उम्र में आया। क्या सपने में भी तुम्हें यह विचार आया? अपने माता पिता की मनोस्थिति को समझो, उनकी चेष्टा थी कि तुम्हारे ज्येष्ठ विलासी बने, जिसे सन्यासी होने का विचार उनके मन से धीरे धीरे समाप्त हो जाए,
और जिन गणिकाओं के मुंह के पल्लू में बंधकर तुम सर्वनाश की ओर जा रहे हो, ऐसी कितनी सुंदर प्रवीण गणिकाओं ने तुम्हारे ज्येष्ठ को रिझाने की चेष्टा की। वो नहीं रिझे, सारी गणिकाओं ने तुम्हारे ज्येष्ठ के सामने हार मान ली। तुम अपनी तुलना अपने ज्येष्ठ से कर रहे हो, तो सत्य सुनो, आम्रपाली भी तुम्हारे ज्येष्ठ को मोहित ना कर सकी। कीचड़ में खिलने वाला हर फूल कमल नहीं होता नंद, और फिर तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। महाराज से लेकर कपिलवस्तु की सारी प्रजा को तुम्हें ही संभालना है। तुम भविष्य हो हमारा। अब इतना भारी बोझ भी नंद के कमजोर कंधों पे मत डालो, ये उसे उठा भी ना सके। और तुम तो इस बेचारे को ऐसे डरा रही हो जैसे इसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। केवल एक व्यक्ति इस राजमहल का मुझे बताओ जो रंग भवन न गया। है कोई जवाब? नहीं है ना, तो नंद क्यों ना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भी तुम सन्यासी बनाना चाहती हो? चलो नंद। रुको नंद, ये तुम्हारा अहित चाहते हैं। इसे अपने पल्लू से ना बांधो यशो, इसे तो जीवन का रस पीने दो। मैं रथ के पास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं नंद। नंद, अपने जीवन के निर्णय दूसरों को ना लेने दो। बड़े हो गए हो तुम, अब अच्छे बुरे की समझ तुम्हें स्वयं आ गई है। चलो। सत्य कहा आपने ज्येष्ठ, मैं अपना भला बुरा समझने योग्य अवश्य हो गया। आप जाइए, मैं नहीं जाऊं। अरे वाह, मस्त। देख, ओम भगवती भिक्षाम देही। हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, फिर भी कटोरा उठाकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे भाई, बगैर पसीना भाई मुफ्त की रोटियां तो तोड़ेंगे। अरे ये बुद्धा मनुष्य का कल्याण क्या करेगा जो अपनी पत्नी को विधवा छोड़ घर से चला आया है? ये तो पूरे समाज को निर्वंश बना देंगे। चले जाओ यहाँ से, वापस आने का साहस भी ना करना। जाओ। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी गुरुवर,
हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं, और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे, बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। प्रणाम गुरुदेव। महाराज बिंबिसार ने आपके लिए रथ भेजा है, चलने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, परंतु आप महाराज से कह दीजिएगा कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ राजमहल चलकर आ रहा हूं। कैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बहन, अब इसके अंतिम संस्कार का समय आ गया है। नहीं, भगवान, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो। तुमने इसके प्राण लिए, अब तुम इसके प्राण लौटा दो, मेरा बच्चा। किसा गौतमी, जो मर गया लौट कर नहीं आता। कोई है, कोई है जो मेरा दुख समझेगा। महारानी, बुद्ध आ गए हैं। ये मेरी पत्नी है महारानी वैधी, ये मगध के कुलगुरु, सभ्यता और संस्कृति के धरोहर, मगध के सेनापति और मगध के महामहिम मंत्री। आइए, आपका स्वागत है।
कि आप भोजन हेतु आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भोजन हेतु आसन ग्रहण करें। सेनापति, युवराज अजाशत्रु कहा है वो प्रशिक्षण क्षेत्र में शस्त्रों से अभ्यास कर रहे हैं। क्या उन्हें किसने सूचना नहीं दी कि आज स्वयं बुद्ध यहां पधारने वाले हैं? उन्हें ज्ञात है महाराज। आपने भी उन्हें सूचित नहीं किया? पर मैंने तो ये मेरा पुत्र अजात शत्रु है। आशीर्वाद दो। क्षमा करें, मैं अपना आशीष किसी के आगे नहीं झुका रहा। ये बहुत अच्छी बात है, किसी के दबाव से शीश झुके ये बुरा है। कहने का अर्थ है, जब तक मन में सम्मान ना हो तो किसी के आगे शीश झुकाना परेशान ना हो। मैं समझ गया। फिर कोई विशेष उपलब्धि भी तो होनी चाहिए। शस्त्र विद्या में निपुण हूं। कभी अपने हाथ से तलवार बनाई है? मैं युवराज हूं, मैं तलवार क्यों बनाऊं? हाँ, युवराज शस्त्र बना सके ये तो आवश्यक नहीं, पर जब शस्त्र बनाने वाला तुम्हारे समक्ष कोई तलवार लाता है तो कैसे अनुमान लगाते हो कि उस तलवार के क्या गुण है? उसकी धार को देखकर, उसे चला उसकी चपलता माप कर। अर्थात किसी भी बात का परीक्षण किए बिना तुम नहीं मानते? जी। यदि धूप खिली हो तो उसकी ऊष्मा कैसे नापते हो? कहना कठिन है। सरल है, बहुत सरल। जिसे जितनी धूप की आवश्यकता होती है वो अपने स्वभाव के अनुसार उसे ग्रहण कर लेता है। घास का तिनका अपने अनुसार, सूरजमुखी अपने अनुसार और ताड़ का वृक्ष अपने अनुसार। ताड़ का वृक्ष तो ऊपर और ऊपर उठता है सूर्य के किरण को पाने के लिए। तुमने एकदम सही पहचाना, इतना शक्तिशाली, इतना विशाल ताड़ का वृक्ष ऊपर की ओर ही उठता है। अर्थात ऊपर उठना प्रकृति का नियम है। मैं स्नान करके आपके सामने उपस्थित होता हूं। ना समझे उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसकी निर्भीक बातों ने मुझे प्रभावित किया। नहीं जाएगा मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाएगा। साकेत गुरु प्रणाम। इस पगली को समझाइए, बच्चे का क्रिया कर्म करना है और ये अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए है, छोड़ती ही नहीं। गुरु जी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। गुरु जी देखो, बच्चे को बचा लो। समझो तुम्हारा दुख दूर हुआ। एक व्यक्ति है जो इसे जीवित कर सकता है। कौन है गुरु जी? उस व्यक्ति के चरण तो हमारे महाराजा भी छूते।
उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे इस मृत बच्चे को वो अवश्य ही जीवित कर देंगे। कौन है प्रभु, कौन है गुरुजी, बताइए ना। बुद्ध। बुद्ध गुरुजी, कहाँ मिलेंगे वो? राजमहल में, वहां जा और बुद्ध का नाम पुकार। मेरा बच्चा। अगर सच में वो पहुंचे हुए महात्मा है तो गौतमी के बच्चे को अवश्य जीवित कर देंगे। इधर क्यों आई है? तेरा इधर कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। कृपया कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे बुद्ध के पास जाना है। इस निर्धन की दुहाई कोई नहीं सुनेगा क्या? मुझे जाने दीजिए। मुझे आने दीजिए। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु, प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा, मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताऊँ, छह माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरा युवा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मेरी बहू दोनों मर गए, मेरी बीवी मेरा बच्चा सब बाढ़ में बह गए। खोलिए।
जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी है। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है, और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगत हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर में। हाँ, उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल, दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, क्या मैं आपको एक तुच्छ भेंट दे सकता हूं? आप तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो, किंतु ये भेंट मुझे आपसे बांधे रखेगी। मगध के मुख्य द्वार के पास बांस का कुंज है, वेलुवन उसका नाम। मुझ पर उपकार करके इसे आप ग्रहण करें। मेरी ओर से आपको और आपके भिक्षुओं को एक तुच्छ उपहार है। आभार आपका। हम वर्षा ऋतु के चार मास वहीं रहा करेंगे। हे अजय, हे अभय, मृत्यु को परास्त करने वाले, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। देवदत्त ने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। महाराज आप क्रोधित ना हो, उसे मूर्ख समझ के क्षमा कर दीजिए। मैं उसे समझाऊंगा। क्या समझाओगे उसे? समझाने से कभी माना है? आपने मुझे बुलाया महाराज? तुमने तो लाज लज्जा सब छोड़ दी है देवदत्त। मैंने? उस रात तुम्हारा अनुकरण कर
नंद मदिरा में दुग्ध था। बेहोश मनुष्य से बात करना मूर्खता है, इसलिए मैं चुप बैठा। एक बार तुम भी मदिरा के आवेश पे हमारे सामने अशिष्टता कर चुके हो देवदत्त, और तब भी तुमने सिद्धार्थ का नाम दिया, तब भी मैंने तुम्हें बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर दिया था। पर महाराज मैं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी तुम्हें अंतिम चेतावनी है। इसके पश्चात हमारे सामने स्वयं अंध को अथवा राज परिवार के किसी भी युवराज को लेकर पक्षपात किया, उसका बहुत बड़ा दंड तुम्हें भुगतना होगा। मैं समझता हूं महाराज। कुछ नहीं समझते तुम। मेरे मना करने पर उस रात नंद को उकसा कर तुम रंग भवन ले जा रहे थे। मैं नंद को नहीं लेके गया महाराज, वो केवल नंद का आग्रह था। तुम ज्येष्ठ हो, कल यदि वो कहे कि मुझे कुएं में ढकेल दो तो तुम उसे कुएं में ढकेल दोगे। इसके पश्चात नंद रंग भवन नहीं जाएगा, यदि वो गया तो उसका उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। निर्लज्ज, अपने अच्छे गुण तो न सिखा सका तो अपने अवगुण सिखा रहा हमारे नंद को। क्षमा मांग महाराज से, और दोबारा ऐसा नहीं होगा इस बात का वचन भी दे। ऐसे नहीं, चरणों में गिर के क्षमा मांग, क्षमा मांग। बस देवदत्त, बस। देवदत्त तुम ज्येष्ठ हो, हमारे सबसे प्रिय हो, तुम बार बार वही गलती दोहराते हो, उससे बड़ी पीड़ा होती है। मैं ना समझू महाराज, आपकी क्षमा का पात्र भी नहीं। तुम मेरे पुत्र हो, मेरा सहारा हो, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अपमान के इस घूंट को पी जाओ देवदत्त। नहीं, इनसे इनकी राजगद्दी छीन कर इनका वास्तविक स्थान दिखा के रहूंगा। कैसे, और कौन है जो तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा पूर्ण करेगा? अब देखना अजात शत्रु को कैसे मोहरा बनाकर सारा खेल पलटता है देवदत्त। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही सृष्टि का नियम है।